देख रहे हैं ये हमारे पड़ोसी मुल्क भूटान का है, जहाँ पर ये पहाड़ियाँ और ये घने जंगल और ये नीचे जो शहर है ये फुनसुलिंग शहर है, और उसके बिल्कुल सटा हुआ जो है वो जयगांव है। जयगांव और फुनसुलिंग बिल्कुल मिले हुए हैं। जयगांव भारत का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल का, और फुनसुलिंग जो है वो बॉर्डर का पहला शहर है भूटान का। और सुदूर उसके पार जो दिखती है वो तुरसा नदी है। तुरसा बह करके चाइना से बह करके चलती है और भूटान में होते हुए और वो फिर पहुंचती है भारत में और उसके आगे चली जाती है। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, प्रकृति का बड़ी मेहरबानी है इस जगह में। यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं अगले 10 दिन के लिए, ताकि आपको दिखा सकेंगे कि भूटान अंदर से किस तरह का एक खूबसूरत देश है। जब आप फुनसुलिंग से थिम्पू के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो गेदू स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के पहले तकरीबन 20 किलोमीटर का जो भूभाग है उसमें घना कोहरा मिलता है। कई बार गाड़ियों को रुकना पड़ता है और इस कोहरे की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी घटित होती है। जो गाड़ी के चालक होते हैं वो अक्सर रात का सफ़र इसलिए टालते हैं क्योंकि बहुत घना कोहरा वहाँ रहता है। जब और आप आगे बढ़ते हैं, ख़ासतौर पे चूका के आसपास का जो इलाका है वो बहुत सुरम्य नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पहाड़ियों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादल नीचे से गुजरते हैं और वो रुई के फाहे की तरह नज़र आते हैं। आपका दिल करता है कि आप हाथ आगे करके और इन बादलों को अपने हाथों में रोक लें, लेकिन ये संभव नहीं होता है। यहीं पर आप पहाड़ों पर देखते हैं प्रार्थना के वो रंग बिरंगे झंडे, जो कि भूटानी लोगों की मान्यता है कि इन पर लिखी हुई जो प्रेयर हैं वो प्रेयर्स हवा से जुड़ करके जहाँ जहाँ भी जाती है उन उन इलाकों के लोगों को अभिषिक्त करती है, आशीर्वाद प्रदान करती है और उनके लिए फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये चीला है जो कि पारो से हा के बीच में सबसे ऊंची चोटी के रूप में है। बहुत ठंडा है, यहाँ पहुँच करके आपकी हड्डियाँ कांपने लगती है और कई लोग यहाँ पर गर्म कपड़े खरीदने लगते हैं। यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है और मोमोज खा सकते हैं गर्मा गर्म। लेकिन ये जो प्रार्थना के झंडे हैं ये बहुत लुभाते हैं और ये पूरे पर्वत क्षेत्रों में फैले हुए हैं। आगे बढ़िए और फिर आता है वो जगह जिसे हा घाटी कहते हैं, हावेली। इसी हावेली में भारतीय सेना और हा का जिला प्रशासन मिल करके 3 दिवसीय एक उत्सव करता है हर वर्ष, और इस वर्ष भी ये उत्सव हो रहा है। इसमें आसपास के गांव से लोग पहुंचते हैं और भारतीय सेना की विभिन्न रेजिमेंट्स के सैनिक यहाँ होते हैं, जो अपने कर्तव्य दिखाते हैं। यहाँ के स्कूलों के बच्चे सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं और आसपास के तमाम गांवों से आकर के लोग इसको देखते हैं। दुकानें लगती है, खरीदारी होती है, मनोरंजन होता है और भारतीय सेना के नौजवान, जांबाज नौजवान पैराशूट पर उड़ते हुए नीचे उतरते हैं और इन हैरत अंगेज़ कारनामों को देख करके लोग खुशी से फूले नहीं समाते हैं, तालियां बजाते हैं। और ख़ास तौर पे इन करतबों को देखने के लिए आसपास के तमाम गांव से लोग यहां आते हैं और भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों द्वारा किए जाने वाले इन हैरत अंगेज़ कर्तव्यों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पैराशूट उतर रहा है और नीचे ज़मीन तक आया है, लोग तालियां बजा रहे हैं
और लोग खुशी मना रहे हैं। इन क्षणों को कैद करने के लिए तमाम लोग अपने अपने मोबाइल को ऑन किए हुए हैं और इनकी तस्वीरें उतार लेना चाहते हैं, इनको वीडियो बना देना चाहते हैं। हम लोगों ने भी अपने साथियों की मदद से ये वहाँ पर किया और ये न केवल पैराशूट से नीचे उतरने का बल्कि आग से, जलती हुई आग से निकलने का और तमाम वो कारनामे दिखाए जाते हैं। भारतीय सेना के दो लड़ाकू टैंक तोपें भी यहाँ पर रखी हुई दिखती है। जब आप प्रवेश करते हैं इस आयोजन स्थल पर तब आप देखते हैं कि ये जो तोपें हैं रखी हुई है, इन तोपों को स्थानीय लोग बहुत कौतूहल से देखते हैं। अभी एक और उतरता हुआ आप पैराशूटर को आपको देख सकते हैं। एक बार फिर तमाम दर्शकों की जो नज़रें हैं वो लगी हुई है पैराशूट पर लगी हुई है कि किस तरीके से उतरते हैं और लोग अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। आप देख रहे हैं भारतीय सेना के जंबाज सैनिकों का वो करतब जिसे देखने के लिए हा क्षेत्र के, खासतौर पे हा जिले के लोग, हा घाटी के लोग यहाँ पर जमा हैं। ये भूटान का एक क्षेत्र है, पारो कस्बे से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर, और ये उतर गए हैं। इनके उतरने के साथ ही लोगों ने खुशी मनाई और अब आप देख सकते हैं ये पूरा पंडाल और ये पूरा परिसर, और ये हैं वो दोनों तोपें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लोग बहुत खुशी से यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। और आप यहाँ पर हमारे मित्र किंगा नामगे को देख रहे हैं, शांति केरला को देख रहे हैं और अन्य साथियों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। धीरे धीरे स्टेडियम अब खाली होता जा रहा है, लोग बढ़ रहे हैं दुकानों की तरफ ताकि वो वहाँ पर कुछ चीज़ें खा सकें। भारतीय सेना के सैनिकों ने यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगाए हैं, वो सस्ते किस्म का भोजन दे रहे हैं। यहाँ आज आपको इडली डोसा मिल सकता है, आपको छोला भटूरा मिल सकता है, मिर्ची बड़ा मिल सकता है, राइस मिल सकता है, तमाम तरह के वेज और नॉन वेज खाने यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आप हमें मिल गए हैं ग्वालियर से सैनिक, इनका पहले कश्मीर में ड्यूटी था और आजकल ये यहाँ पर हाँ में हैं। मैंने इनसे पूछा कि कैसा लगता है ये क्षेत्र, तो इनका ये कहना था कि ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ सेना और भूटानी लोगों के बीच में बहुत अच्छा संपर्क है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ का वो प्रसिद्ध लखांग और उसमें लगे हुए ये प्रार्थना के चक्र, इनको एक बार घुमाने से इनमें ओम मणि पद्म हुम का एक प्रार्थना का एक मंत्र पूरा होता है, ऐसी मान्यता है। और ये मंदिर के चारों तरफ है, मंदिर को यहाँ लखांग बोला जाता है। ये जो आप जलप्रपात देख रहे हैं, झरना देख रहे हैं, ये नैसर्गिक झरना ताक्षांग मोनेस्ट्री जाते वक्त है। आपको बता दें कि ताक्षांग मोनेस्ट्री जो है यहाँ का बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहाँ तक पहुँचना बहुत दुर्गम है। यहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन आपको 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। पहले आप घोड़ों पर चढ़ करके आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पैदल बढ़ना पड़ता है और फिर कई सीढ़ियाँ नीचे उतर के और फिर ऊपर चढ़ करके आप ताक्षांग मोनेस्ट्री पहुँचते हैं। उसके बिल्कुल पास में है ये झरना। ताक्षांग मोनेस्ट्री जो है वो एक सीधी चट्टान पर टिकी हुई है और उसको देख करके हर कोई दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह आप देखते हैं कि पूरा जो भूटान है वो बहुत सुरम्य और बहुत ही मनोरम भूभाग है।